रामानुज संप्रदाय के वो एक ब्रह्मचारी था, बहुत अच्छा ब्रह्मचारी, रोज बगीचा में जैसे फूल उगाना, तुलसी पौधा लगाना और तुलसी को लेकर के ठाकुर जी को सेवा में लगाना, फूल चयन करना, बड़ा एकनिष्ठ ब्रह्मचारी, देखने में बड़े सुंदर है। एक समय वो बगीचा से बड़े सुंदर फूल तोल रहे थे, तुलसी चयन कर रहे थे और भगवान का नाम कीर्तन कर रहे थे। तो बहन थे, दोनों ही बेस्या है, और बड़ी बहन जितना सुंदर उससे जो छोटी बहन उससे ज़्यादा सुंदर। एक समय वो दोनों उधर से होते हुए जा रहे थे, बड़ी बहनी ने छोटी बहनी को बोला, देखो संत कितने अच्छे होते, देख रहे हो कैसे ठाकुर का नाम ले रहा है, कीर्तन कर रहा है, ठाकुर का सेवा कर रहा है, कितने जीवन इनका अच्छे चरित्र है। छोटी बहनी करे, इतने कितने सारे संत इन्हें मैंने देख लिया है, तब तक ये साधु है जब तक मेरे तरफ में देखा नहीं, अभी मेरे तरफ देखा नहीं ना, इसलिए पता नहीं ये माया क्या होती है। बड़ी बहन ने कहा, नहीं ऐसे कभी हो ही नहीं सकता, सारे थोड़ी ऐसे होते हैं। बोला, अरे ऐसे साधु हमने बहुत कुछ देखा। अभी दोनों बहनी ने लड़ाई कर दिया, दोनों बहनी ने, बोले छोटी बहनी कह रहे से गिरा सकती, तो बड़ी कहती अगर गिरा नहीं सकती तो गिरा सकती, तो बोले गिरा करके दिखा दे, ठीक है तुमको दिखा दे। अभी वो जान बुझ करके, मतलब माया धीरे धीरे कैसे प्रवेश करती, वो जान बुझ करके जब वो सवेरे सवेरे पुष्प चयन कर रहा था, तुलसी तोड़ रहा था, उस समय रिमझिम बारिश हो रही थी और उसने एक पतला कपड़ा पहन लिए हैं, पहन करके जब रिमझिम ये हो ना, पतला कपड़ा पहने, जैसे बारिश का पानी लगता ही कपड़े में, कपड़ा शरीर में चुपक जाती है और पूरा शरीर दिखाई पड़ती है। वो ऐसे करके उसको फंसाने के लिए उसने जा करके जहाँ पर वो बाबा पुष्प चयन कर रहे थे तुलसी, उनके पास में जा करके बाहर धड़ांग करके गिरी और बड़ी जोर से चित्कार करने लगी, बचाओ बचाओ मैं मर रही हूँ, कोई है? उसने देखा, भैया कोई स्त्री की कला की आवाज आ रही, बोले भैया कोई स्त्री की चिल्लाने दो कि हमारे क्या संत है। लेकिन वो जानबूझ करके इतना चिल्लाने लगी, इतने चित्कार की, मैं मर रही हूँ बचाओ कोई। फिर संतों का हृदय तो बड़ा कोमल भी होता है, संत हृदय न बनी था समाना, उन्होंने देखा भैया कोई मर रही है, कोई कोई तो मर जाएगी, इतने जोर से इतने बाहर निकाल करके आया, देखा वो चटपट चटपट, लेकिन वो नाटक कर रही थी हैं। इतने में उसको देख करके अवस्था को जैसे बेहोश गिर पड़ी, ऐसे उसने नाटक की, उसने क्या क्या घंटा जलाया, घंटा जला करके उसको शरीर को उन्होंने सेगवा कर सेगवाया शरीर को, लेकिन वो तो माया है। उसने जब शरीर को सेकाया, लेकिन उसको शरीर को उसने देख लिया हैं, वो शरीर को उसने देख लिया, पतला कपड़ा पहनी हुई थी, पूरा शरीर में चिपक हुआ था ये कपड़ा। अभी जब वो साधु चला गया, अभी पहले तो भगवान के भजन भक्ति करता था, अभी उसका मन में वही याद आने लग गई। इतने में वो फिर किया कि उसको ज्यादा फंसाने के लिए वो जान बुझ करके ना वो उधर से जाती है, बोले बाबा राम राम, बाबा राधे राधे, आप मैं उस दिन बचा दिया, नहीं तो मैं प्राणी चली जाती, बाबा धन्यवाद आपको, आप बड़े दयालु। अभी उसने ऐसे ऐसे रोज रोज बोलने लग गए, और कभी कभी क्या कहते, अब तो मेरे बचे कोई चीज ला करके दे देती है, हैं कोई चीज ला करके दे देती है। अभी क्या हुआ, धीरे 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 तो उसका मन है ना, उसका प्रति धीरे धीरे आकर्षण होने लग गया, धीरे धीरे आकर्षण होने लग गया। ऐसे करते 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 ना पूरा अपना चौंगल में ले लिया, पूरा फंसा लिया उसको। अभी वो क्या करता है, पुजारी मंदिर में जो भोग लगता है ना ठाकुर को, मिठाई मिठाई फल, अभी छुपा छुपा करके पुजारी उसको पास में भजन लग गई, हाँ भजन लग गई, और उसको प्रेम में पूरा फंस गई। जब फंस गया, अभी ठाकुर जी सोच रहे, बोले हे भगवान मेरे भक्त कहाँ इतना सेवा करता था, कितने फूल चैन तुलसी लाता था, मेरे सेवा में लगाया करता था, अभी तो मेरी सेवा छोड़ कर अभी वो तो बेस्या की सेवा में लग गई, छुपा छुपा करके चीज दे देती है, प्रेम बड़ा गड़बड़ी है। अभी ठाकुर ने देखा इसको क्या कर किया जाए, बोले ठाकुर कितने दयालु कितने कृपालु है, इसलिए भगवान कैसे भक्तों को छोटी पकड़ कर कैसे लाते हैं। इतने में ठाकुर ने क्या किया, अपना सोने की जो प्लेट था उसने चोरी किया, चोरी करके ना ठाकुर जी उठा करके इसके घर में ला कर रख दिया, इसकी उपेस्या के घर में।
सवेरे पुजारी ने हल्ला कर दिया, ठाकुर जी की सोने की प्लेट चोरी हो गई। राजा सीआईडी लगा दिया, देखो कहाँ सोने की प्लेट गई ठाकुर जी की, रघुनाथ जी का ढूंढते ढूंढते देखा वो बेस्या के घर में सोने की प्लेट। बोले बेस्या के घर में, इसको घर में कैसे आया? सीआईडी लगा दिया, देखो क्या हो रहा है। देखा वो जो पुजारी है, ये पुजारी इसको घर में आता जाता रहता है। बोले ब्रह्मास, तुमने ठाकुर का सोने की प्लेट लाकर बेस्या को दे दिया, इधर हल्ला मचा दिया, ठाकुर की सोने की प्लेट का चोरी हो गई। सीआईडी ने सारे बात राजा को बोल दिया। बोले इसको जेल में बंद कर दो, इसको दुष्ट साधु है, साधु बन करके चोरी करता है, ठाकुर का चीज को चोरी करता है। फिर उन्होंने जेल में बंद कर दिया। बंद कर दिया तो अभी ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले हे भगवान, जब बंद कर दिया अभी वो पुजारी सोच रहा है, भैया मैंने तो काम किया ही नहीं, ये काम तो मैंने नहीं किया। फिर बड़ा दुखी हो गया कि ठाकुर जी कहाँ ये बेस्या अगर मेरे को अपना चक्कर में नहीं फंसाती, इसको घर में नहीं जाता था, अभी जेल में मैं पड़ा हुआ नहीं मिलता। किसकी वजह से? इसको साथ में मेरे संबंध है ना, जाता रहता था, इसलिए मैंने किया नहीं, किसी ने किया और उसकी वजह से मैं अभी। बड़ा दुखी हो गया, बड़ा दुखी होकर ठाकुर को खूब बुलाया, ठाकुर जी बचाओ, ठाकुर जी बचाओ, मेरे को कभी ऐसे गलत काम करूंगा नहीं, फंस गया ठाकुर जी, पता नहीं किसने क्या। ठाकुर जी ने कहा अभी ठीक हो गया, अभी ये ठीक हो गया। इसलिए कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छन्ति विगच्छन्ति कौन्ते प्रतिजानि नमे भक्ता परश्रति। अगर कोई गलत काम करता, यहाँ पर भी कहते हैं जैसे कोई गलत काम किया, माया में फंस गया कोई, अगर उसके अंदर में अफसोस नहीं है, दुखी नहीं है, फिर तो ठाकुर जी उसको बचाते नहीं, फिर तो साधु नहीं बन सकता है, है? अगर कोई गलत काम करके दुखी होता है, अफसोस करता है, उसके लिए बिलबिलाता है, दुखी होता है ना, फिर ठाकुर जी उसको फिर बचा लेते हैं, ठाकुर जी फिर उसको बचा सकते हैं। इसलिए उसने जब ठाकुर को बुलाया, फिर ठाकुर जी स्वप्न दिया राजा को, बोले महाराज वो मेरा सेवक है, वो सही ठीक ठाक, लेकिन वो बेस्या के चक्कर में उससे पड़ गया था, उसको मैंने बचाने के लिए ये सोने की प्लेट मैंने चोरी करके वो बेस्या को घर में रखा, क्योंकि इसका जीवन परिवर्तन हो जाए, सुधर जाए, वो ठीक ठाक जाओ, अभी जेल से मुक्त करा दो। जब ठाकुर जी स्वप्न दिया, फिर उन्होंने उनको छोड़ दिया। गुरु जी ये कथा सुनाया करते थे, कहते थे देखो ये माया कैसे धीरे 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 धीरे, ये माया कैसे धीरे धीरे अंदर में प्रवेश। इसलिए जो स्मार्टफोन फोन है ना, ये बड़ा गलती चीज है, बड़ा गलती चीज है, यही यही स्मार्ट बनने के लिए तुम्हें घर में लेकर पहुंचाई। हमारे मंदिर में वृंदावन के ब्रह्मचारी था, है वो ब्रह्मचारी था, वो प्रभु जी ने बोला कोई स्मार्टफोन यहाँ नहीं रख सकते, हैं सारे स्मार्टफोन मेरे पास में जमा करो, कोई स्मार्टफोन रखना नहीं। प्रभु जी बोले जो रखेगा मंदिर में रह नहीं सकता। सबके सब दे दिया, उसने दिया ही दिया नहीं, तो उसने बोले प्रभु मैं स्मार्टफोन बगैर मैं रह नहीं सकता, हैं इसके बगैर रह नहीं सकता। प्रभु बहुत समझाए, बहुत लोग ने सुना नहीं, इसको थप्पड़ भी मारे इसको, हैं जो सुना नहीं, अभी अभी क्या कर रहा है। बोले ब्रह्मचर्य था, भले फोन चाहिए नहीं तो मठ में रह सकते, तभी जब स्मार्टफोन नहीं रखोगे, नहीं तो मठ से जाओ। बोले मैं मठ से जा सकता हूँ, बोले स्मार्टफोन नहीं छोड़ता हूँ, बोले जाओ मठ से बाहर जाओ, मठ में तुम्हारी कोई स्थान नहीं है, क्योंकि तुमको देखकर दूसरा व्यक्ति बच्चा बिगड़ेगा, हैं इसलिए जाओ बाहर जाओ। तो बाहर किया, अभी कुछ दिन जाकर के कहीं आकर भजन किया कुछ दिन, बस कब तक बाहर जाकर भजन करेगा, अभी शादी से जाकर के वृंदावन में घूम रहा है। ये स्मार्टफोन एक दिन हमें घर में ले जाएगा, वो इतने असत संग है, देखने में लगता है स्मार्टफोन नहीं, ये स्वयं कली, ये कली ये रूप धारण करके आया। जब एकांत में बैठोगे उसको देखोगे उल्टा पुलटा चीज, फिर कहाँ चित्त वृद्धि जाएगी जो देखोगे। इसलिए बिल्लो मंगलो आग फोड़ दिया, मैंने आग फोड़ दिया। बोले क्यों आग क्यों फोड़ दिया? बोले कहाँ पत्नी की बेस्या की चिंतामणि की थुत्कार खा करके भजन के लिए आया, फिर सेठानी को देख कर उसको पीछे पड़ गया मैंने, इसलिए न रहेगा बांस और न बजगी बांसुरी, आग फोड़ दो। इसलिए उन्होंने आग ही फोड़ दी, उन्होंने बोला कि है, फिर तो भगवान का दर्शन हुआ। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये माया पता नहीं कैसे धीरे 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 अंदर में किस रूप में सुई रूप में घुसेगी, और जब निकलेगा ना भाल बन करके निकलेगा, सुई बन कर घुसेगा भाल बन करके ये निकलेगा। इसलिए साधु साधु सावधान, फिर कहीं कर अवधान। इसलिए साधु क्यों कहते सावधान, कहते ना साधु सावधान। इसलिए जो भजन करना चाहते हैं
हमें सावधान होकर के अपना भजन साधना करनी चाहिए, ठीक है। गौर ब्रह्मानंद।